नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरे भारतवर्ष में ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में अंबाला छावनी में बनारसी दास मील के पीछे, हरिनगर में हजरत निजामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के दरबार में भी ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सेवादार तेजभान आशु भगत जी ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को ईद की मुबारकबाद दी। सबसे पहले बाबा जी की मेहंदी रस्म की गई। इसके बाद बाबा जी को फूलों की चादर चढ़ाकर हजरत साहब का आशीर्वाद लिया गया। दोपहर में भंडारे का अटूट प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। इस दौरान दूर दूर से श्रद्धालु हजरत साहब के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेने पहुंचे और अपनी अपनी मन्नतें मांगी। कव्वाल घराने से ईरान चिश्ती ग्रुप ने समा बांधते हुए एक के बाद एक कव्वालियां गाईं। रात को 9 बजे से मध्य रात्रि 2 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवादार तेजभान आशु भगत जी, मुकुल, रिंकू, निखिल, यश, इंदु, वसुंधरा, निधि और कोमल समेत अन्य श्रद्धालुओं ने हजरत साहब का दीदार किया। अंबाला से हमारे संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा न्यूज़ एक्सप्रेस में। भैया जी, जिस तरह का आज यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और आज दरबार में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे सभी लोग आप हाजिरी लगा रहे हैं, थोड़ा सा इसको लेकर आप बताएं कि किस तरह का एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम है यश आनंद, मैं अंबाला कैंट का रहने वाला हूँ जी। हम कई वर्षों से कव्वाली का प्रोग्राम कराते आ रहे हैं जी। तो आज ईद का उत्सव था जी, तो हमने सोचा बाबा जी का भी दिन है जी, तो कव्वाली करा लेते हैं और लंगर कराते हैं जी। दिन में लंगर का प्रोग्राम भी था जी, और अब बाबा जी की कृपा से कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है जी। इसी तरह अगर बाबा जी की कृपा आई तो हर साल हम कव्वाली का प्रोग्राम करते रहेंगे जी। जिस सरकार की आज आप यहाँ पे कव्वालियां रखी हुई हैं, जैसे ईद का दिन है, आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा बताएं कि आप कितने वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं? 10 सालों से हम ये कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं और ऐसे चलाते रहेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, इसी चीज में लगे रहेंगे। क्या क्या सेवा आज की है बाबा जी के दरबार में, थोड़ा सा इसको लेकर बताएं आप। हमने सुबह डेक बनाई थी, बाबा जी का प्रसाद बनाया था, कड़ी चावल का लंगर किया था जी, हाजरी लगाई थी, जलसोहर में हाजरी देने गए थे जी, उसके बाद लंगर किया यहाँ आके जी। अब कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है। कितनी संख्या आज भक्तों की यहाँ पर आई है, श्रद्धालुओं की आई है, जिन्होंने बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए हैं? काफी श्रद्धालु आए हैं और आते बैठे हुए हैं बाहर जी। भैया नमस्कार। नमस्कार, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम तेजवान है। तेजवान जी, कितने वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को आप कर रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा बताएं जरा। ये 10 से 12 साल वर्ष हो गया जी, 10 से 12 साल के करीब हमारे को इतना टाइम हो गया है और आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी का आशीर्वाद रहा, भाइयों का सहयोग रहा, तो उसके साथ हम और आगे तक चलते रहेंगे। इसके लिए हम ये जताना चाह रहे हैं कि भाई एका, सारे एक बराबर रहे, एकजुट रहे हैं, एकता में बहुत बल होता है जी। हनी जी, आप एक बात बताइए कि जिस तरह से आज आप यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है, आपने बहुत ही सुंदर सा संदेश दिया, आप क्या मैसेज देंगे आगे लोगों से, क्या अपील करेंगे? अब मैं तो यही चाहता हूँ और विश्व भर से हर हिंदुस्तानी से यही चाहूंगा जी, कि सब भाई बंद एक बन कर रहे जी, सब एकजुट होकर के इस कार्य, जिस तरीके से हम भाईचारे का से प्रतीक देना चाहते हैं जी, बिल्कुल, ये सारे ही एकजुट होकर के भाईचारे में ही रहें जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान एकजुट होकर के आगे और सहयोग करे जी, बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है यहाँ पर तेजभान जी बैठे हुए हैं और इनके साथ और भी परिवार के सदस्य हैं, बाबा जी के चरणों में, जो शीश चरणों में यहाँ पर आज ईद का त्यौहार है और हाजिरी यहाँ पर लगा रहे हैं, रल मिलकर अपने परिवार के साथ जो है आज एकत्रित होकर नगर वासियों में यहाँ पर जिस तरह से सुबह से आज इन्होंने कार्यक्रम को रखा हुआ था और बाकायदा जो है आपको दिखा दूं सीधी तस्वीरें, यहाँ पर जो है इस समय अंबाला छावनी के बनारसीदास मिल के पीछे से है, जहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो है कव्वाली का प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहा है और एकजुटता का संदेश यहाँ से मिल रहा है। सर्वेश शर्मा, हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस, अंबाला छावनी से। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।